नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए आप प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद भोपाल में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी बीएस जू ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने घोषित सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं और जीत की अग्रिम बधाई दी। प्रदेश प्रभारी बीएस जू ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटी है। पार्टी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हमने इन सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों को मौका दिया है। उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी ने सर्वे कराया था। सर्वे के आधार पर जो नाम सामने आए उन प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया। जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी सारी सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार दे और पहली लिस्ट में सभी 10 नाम ऐसे हैं जो जिताऊ हैं। अपने अपने इलाकों में इन उम्मीदवारों की अपनी सकारात्मक छवि है। विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले होंगे। नतीजों में आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में हम सरकार बनाएंगे। मुझे नहीं लगता इस 10 की लिस्ट में कोई दागी चेहरा है। अगर है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका क्लैरिफिकेशन दूं। जब सर्वे होता है तो सारे एस्पेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड भी, फाइनेंशियल पोजीशन भी। सुनिए, उनका प्रभाव कितना है एरिया में और वो मामले दर्ज हैं। अब ये आप जानते होंगे ज्यादा कि वो मामले खाली दर्ज हैं या कोई चार्जशीट उनके खिलाफ कोर्ट में है भी या नहीं है। दूसरे सुनिए, और अगर चार्जशीट है तो उसमें आज तक उनकी किसी में सजा हुई या नहीं हुई, क्योंकि अगर मान लिया किसी की 2 साल की सजा कानून में हो जाती है, उस आदमी का भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। 2 साल से अगर किसी की ज्यादा सजा होती है तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो हमें ये देखना होगा कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर है या नहीं है, और अगर एफआईआर है तो उसमें कोई चार्जशीट आई या नहीं आई, और चार्जशीट आने के बाद वो कन्विक्ट हुए या नहीं हुए। कैंडिडेट जो भोपाल के थे उनको हमने बुलाया था आज, लेकिन क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी जल्दी से आयोजित की है। एक गोविंदपुरा से सज्जन सिंह परमार जी आपके सामने हैं, कैंडिडेट तो हमारी पार्टी के हैं, आऊंगे आगे। और एक आईएस मौर्या जी हैं, वो भी अभी आने वाले हैं सिरौन से। तो हम पे बार बार आप लोग यही पूछते थे कि आप लोग शायद वेट कर रहे होंगे कांग्रेस की और बीजेपी की लिस्ट आज कब आएगी, उसके बाद अनाउंस करेंगे। हमने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है कैंडिडेट अनाउंस करने का, और जल्द ही हम दूसरी लिस्ट लेके आएंगे जिसमें कुछ और कैंडिडेट्स के भी नाम होंगे। ये आईएस मौर्या जी हैं जो सिरौन से कैंडिडेट बनाए गए हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी कैंडिडेट हमने चुने हैं वो सारे के सारे कामयाब होंगे, आगे आने वाले चुनाव में सक्सेसफुल होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये बात अब पब्लिक डोमेन में भी है और मीडिया में भी है, कि कल रात आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। ये उम्मीदवार पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उनका छवि देखते हुए, उनका प्रभाव देखते हुए और उनकी विनेबिलिटी देखते हुए पार्टी की जो हाईएस्ट बॉडी है पीएसी, उन्होंने डिस्कस करके इन उम्मीदवारों की घोषणा की है। मैं आपको, क्योंकि आप लोगों के पास सर्कुलेट पहले से भी हो चुकी होगी मीडिया में, फिर भी मैं नाम पढ़ के सुना देता हूँ। सेवड़ा से संजय दुबे जी होंगे उम्मीदवार, गोविंदपुरा से सज्जन सिंह परमार जी होंगे, हुजूर से डॉक्टर रविकांत द्विवेदी जी होंगे, दिमानी से सुरेंद्र सिंह तोमर होंगे, मुरैना से रमेश उपाध्याय होंगे, पीतलावाड़ से कोमल डामर होंगी, सिरमौर से श्रीमती सरिता पांडे जी होंगी, सिरौन से श्री आईएस मौर्या होंगे, चुरहाट से अनेंद्रा गोविंद मिश्रा राजन मिश्रा जी होंगे, और महाराजपुर से रामजी पटेल
इंजीनियर पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।